नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। आईपीएल 2022 के 42वें मैच में लखनऊ ने पंजाब को 20 रनों से धूल चटा दी। ये लखनऊ के लिए 9 मैचों में छठी जीत रही। ऐसा नहीं कि ये जीत बहुत आसान थी, लखनऊ को सिर्फ 153 रनों का छोटा सा लक्ष्य डिफेंड करना था और ये काम राहुल के वीरों ने बड़े शानदार तरीके से पूरा किया। इस धाकड़ जीत के बावजूद कप्तान केएल राहुल कुछ खिलाड़ियों से नाखुश नजर आए, जिसके बाद राहुल ने उन्हीं खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। दरअसल मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज नाकाम रहे थे। बल्लेबाजों की नाकामी के बाद उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को लताड़ लगाई। राहुल ने मैच के बाद कहा, हम अपने बल्लेबाजों के प्रदर्शन से खुश नहीं थे, हमारे बल्लेबाजी क्रम में अनुभव है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए था। पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल थी, लेकिन हमें 160 से अधिक रन बनाने चाहिए थे। कप्तान केएल राहुल ने पंजाब किंग्स पर 20 रनों से जीत का पूरा श्रेय अपने गेंदबाजों को दिया। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। कृणाल ने इस पूरे आईपीएल में बढ़िया प्रदर्शन किया, उन्होंने किफायती गेंदबाजी की और अहम मौकों पर विकेट चटकाए। इसके अलावा तेज गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की, उससे हमारी टीम को फायदा हुआ। हमें किसी भी मैच में परिस्थितियों को अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कब क्या करना है। इस मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 153 रन बनाए, फिर भी उसके गेंदबाजों ने पंजाब को 8 विकेट लेकर 133 रनों पर ही रोक दिया। इस मैच में कृणाल पांड्या ने 4 विकेट चटकाए। मैन ऑफ द मैच बने पांड्या ने अपनी बॉलिंग को लेकर कहा, पिछले 7-8 महीने से मैं अपनी गेंदबाजी पर काम कर रहा था, जिसका मुझे फायदा मिल रहा है। राहुल संघवी ने इस दौरान मेरी काफी मदद की। बल्लेबाजी में मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ, उम्मीद है आगे मैं बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करूंगा। केएल राहुल की टीम इस आईपीएल में जबरदस्त परफॉर्म कर रही। राहुल की कप्तानी में नए खिलाड़ी भी खुद पर भरोसा कर जीत में अपना योगदान दे रहे। ऐसा लग नहीं रहा कि लखनऊ की टीम पहली बार आईपीएल खेलने उतरी।